इजराइल के साथ समस्या ये है कि उसके सारे पड़ोसी देश हमेशा से उसके खिलाफ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इजराइल नाम का कोई देश इस दुनिया के नक्शे पर रहे। यहीं पर किंग सोलोमन ने यहूदियों का पहला टेम्पल बनवाया था जिसका नाम था टेम्पल माउंट। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के चलते यहूदी बड़ी संख्या में यूरोप चले गए। जीसस बड़े हुए तो उन्होंने यहूदी धर्म से हटकर क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की। जीसस द्वारा खुद को ईश्वर पुत्र बताना यहूदियों को बहुत बड़ा पाप लगता था। जीसस का मौत का जिम्मेदार यहूदियों को ही माना जाता है कि जेरूसलम यहूदियों के साथ ही मुस्लिमों के लिए भी कितना मायने रखता है। आज भी यहूदी दुनिया के किसी भी कोने में रहे लेकिन पूजा हमेशा टेम्पल माउंट की तरफ मुंह करके ही करते हैं। इस समझौते के तहत ये तय हुआ कि पहला विश्व युद्ध खत्म होते ही फिलिस्तीन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो जाएगा, जिसके चलते हजारों फिलिस्तीनियों को अपना ही देश छोड़ करके जाना पड़ा। नाजियों का मानना था कि यहूदी मानव जाति के लिए कतई ठीक नहीं है। विश्व युद्ध के बाद तमाम दस्तावेज मिले जो ये साबित करते हैं कि हिटलर का मकसद दुनिया से एक एक यहूदी का खात्मा करना था। संयुक्त राष्ट्र ने अपने फैसले में फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया और साल 1948 में इजराइल को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। अरबों ने यूएनओ के फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया। वहीं इजराइल ने वो जमीन भी हथिया ली जो यूएनओ के समझौते के तहत उसको मिली ही नहीं थी। उसने इन्हें न सिर्फ बुरी तरह से हराया बल्कि इन देशों के तमाम क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया। भारत ने 1988 में फिलिस्तीन को भी एक देश के रूप में मान्यता दे दी थी। अब हमास यहूदियों से उतनी ही नफरत करता है जितना कि हिटलर किया करता था। अमेरिका ने हमास के गठन के 10 साल बाद यानी साल 1997 में ही इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। ये सच है कि दोनों के बीच संघर्ष में भारत ने हमेशा ही फिलिस्तीन का साथ दिया। रूस और यूक्रेन युद्ध अभी चल ही रहा है। इधर एक और युद्ध ने दुनिया के एक छोर को अपने आगोश में ले लिया है। 7 तारीख की सुबह 7 बजे ही इजराइल में सायरन बजने लगे। इन सायरनों की आवाज सुनकर ही लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हो गई। फिलिस्तीन चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था। उन्होंने न केवल गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट दागे बल्कि तमाम बंदूकधारी सीमा पार करके इजराइल में भी घुस गए। इजराइल पर हमास ने किया हमला, हमास ने गाजा से इजराइल पर दागे रॉकेट। इजराइल हमास युद्ध को इजराइल पर हमास के अटैक। इजराइल इज एट वॉर। और इजराइल के और हमास के बीच चल रही जंग। इजराइल एज इट प्रिपेयर्स फॉर एन एक्सपेक्टेड ग्राउंड इन्वेजन ऑफ गाजा। गाजा हैज लॉन्च्ड एन ऑल आउट अटैक ऑन इजराइल। बट दो इजराइल डिडंट स्टार्ट दिस वॉर, इजराइल विल फिनिश इट। इजराइल ने दावा किया कि उनके ऊपर 5000 रॉकेट्स दागे गए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आनन फानन युद्ध की घोषणा कर दी और फिर शुरू हुआ इजराइल का जवाबी हमला। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमान गाजा पट्टी पर हमास के ठिकानों पर मौत बनकर टूट पड़े। निश्चित रूप से ये युद्ध दुनिया के लिए एक और खतरे की घंटी है। दुनिया में जहां बड़े बड़े संगठन शांति और अहिंसा की बातें करते हैं, वहीं लगातार हो रहे इस तरह के युद्ध हमें कहीं उसी कालखंड में तो वापस नहीं ले जा रहे जब युद्ध एक आम बात हुआ करते थे। खास बात ये है कि उस दौर में भी युद्ध जमीन के लिए ही हुआ करते थे और आज 21वीं सदी में भी वजह बदली नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जानने समझने की कोशिश करेंगे फिलिस्तीन और हमास के बीच रह रहकर होते हुए युद्ध की असली वजहों की। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नर टीवी। आगे बढ़ने से पहले इजराइल की भौगोलिक स्थिति को थोड़ा समझ लिया जाए। इजराइल के नॉर्थ में लेबनान, साउथ में मिस्र, ईस्ट में जॉर्डन और सीरिया और वेस्ट में भूमध्य सागर स्थित है। यानी गौर करें तो इजराइल के चारों तरफ वो देश हैं जिन्हें अरब कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पूरे विवाद के केंद्र में यही अरब कंट्रीज हैं। इजराइल के साथ समस्या ये है कि उसके सारे पड़ोसी देश हमेशा से उसके खिलाफ रहे हैं। उन्हें इजराइल के अस्तित्व से ही समस्या है। वो नहीं चाहते कि इजराइल नाम का कोई देश इस दुनिया के नक्शे पर रहे और इसी के चलते वो साथ देते हैं फिलिस्तीन का। लेकिन समय के साथ इजराइल ने सामरिक रूप से अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि वो अकेले ही सभी अरब देशों के हमले झेलने में सक्षम है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि यहूदी धर्म लगभग 4000 साल पुराना है और आज इजराइल एकमात्र यहूदी देश है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष नया नहीं है। आइए इस मुद्दे को सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं 1047 BC में। उस समय किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था, जहाँ पर यहूदी रहा करते थे और वहाँ शासन था किंग सोलोमन का। किंगडम ऑफ इजराइल की राजधानी थी जेरूसलम। यहीं पर किंग सोलोमन ने यहूदियों का पहला टेंपल बनवाया था, जिसका नाम था टेंपल माउंट। 586 BC में बेबीलोन सभ्यता के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। 516 BC में यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पर एक और मंदिर बनवाया और वो मंदिर कहलाया सेकेंड टेंपल। यहूदी इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से को कहते थे होली ऑफ होलीज, यानी पवित्र से भी पवित्र। यहाँ पर आम यहूदियों को पैर तक रखने की इजाजत नहीं थी। ये मंदिर करीब 600 सालों तक अस्तित्व में रहा, फिर सन 70 में रोमन्स ने इसे तोड़ दिया। इस मंदिर की दीवार आज भी मौजूद है, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के चलते यहूदी बड़ी संख्या में यूरोप चले गए। कुछ यहूदी अभी भी वहीं रह रहे थे। उन्हीं में से घर में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। जीसस बड़े हुए तो उन्होंने यहूदी धर्म से हटकर क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की, लेकिन ये बात यहूदियों को अच्छी नहीं लगी। जीसस द्वारा खुद को ईश्वर पुत्र बताना यहूदियों को बहुत बड़ा पाप लगता था। यहूदी क्रांति का डर सताता रहता था। इसी वजह से कट्टर यहूदी धर्मगुरुओं ने इस बात की शिकायत रोमन गवर्नर पिलातुस से कर दी और इन्हें खुश करने के लिए पिलातुस ने जीसस को क्रूस पर लटकाने की सजा सुना दी। जीसस का मौत का जिम्मेदार यहूदियों को ही माना जाता है। इसी वजह से दुनिया भर में यहूदियों के प्रति नफरत फैल गई। सन 306 में कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट रोम के राजा बनते हैं, जिन्हें क्रिश्चियनिटी बहुत पसंद आ जाती है। क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने वाले ये पहले यहूदी राजा थे। अब पूरे रोम में क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैली और जीसस को मारने की वजह से यहूदियों के खिलाफ नफरत इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि इन पर बहुत बुरी तरह अत्याचार किए जाने लगे। नतीजन यहूदी वहां से यूरोप की तरफ भागने को मजबूर हो गए। जिस जगह पर जीसस को मारा गया था, वहीं पर कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर बनवाया। ये चर्च टेंपल माउंट से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था। अब आते हैं 638 AD में। रोमन्स को हरा कर अरब आर्मी ऑफ उमर आती है। इनके शासन में जिस जगह पर सेकंड टेंपल था, वहीं पर डोम ऑफ द रॉक और उसके पास ही अलक्सा मस्जिद बनती है। मुस्लिम अलक्सा मस्जिद को इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। वेस्टर्न वॉल, डोम ऑफ द रॉक और अलक्सा मस्जिद के एरिया को ही यहूदी टेंपल ऑफ माउंट और मुस्लिम हरम अल शरीफ कहते हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जेरूसलम यहूदियों के साथ ही मुस्लिमों के लिए भी कितना मायने रखता है। यहूदियों पर अत्याचार भी बहुत हुए, जिनसे बचने के लिए वो दुनिया भर में भागते फिरते रहे, खास तौर पर यूरोपीय देशों में। लेकिन यहूदी अपनी मिट्टी को कभी भूल नहीं पाए। आज भी यहूदी दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन पूजा हमेशा टेंपल माउंट की तरफ मुंह करके ही करते हैं। इजराइल फिलिस्तीन विवाद को समझने के लिए अब हम आपको ले चलते हैं 19वीं सदी के आखिर में। यह दौर था जब फिलिस्तीन क्षेत्र में यहूदियों पर अत्याचार हो रहा था। यहूदियों के खिलाफ उठ खड़े हुए और उन्होंने एक आंदोलन की नींव रखी, जिसका नाम था जायोनी आंदोलन। इस आंदोलन का परिणाम ये रहा कि यहूदी इजराइल राज्य की स्थापना करने में सफल रहे। उसी दौरान विश्व जायोनी संगठन की भी स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य यहूदियों को सुरक्षा प्रदान करना और उनके हितों को बचाए रखना था। साल 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों के बीच साइकस पिकोट नाम का एक गुप्त समझौता हुआ, जिसे रूस की मूक सहमति भी थी। इस समझौते को एशिया माइनर समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के तहत ये तय हुआ कि पहला विश्व युद्ध खत्म होते ही फिलिस्तीन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो जाएगा। साल 1917 में ब्रिटेन की तरफ से एक बहुत बड़ी घोषणा की गई, जो कि यहूदियों के हक में थी। हम बात कर रहे हैं बाल्फोर डिक्लेरेशन की। ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश सचिव जेम्स बाल्फोर की अध्यक्षता में कई दूरगामी फैसले लिए गए, जिसके तहत फिलिस्तीन को यहूदियों की मातृभूमि बनाने पर सहमति तो जताई ही, साथ ही उनके लिए अलग देश की मांग को भी स्वीकार कर लिया गया। इसी घोषणा से इजराइल के गठन का आधार तय हुआ। लेकिन इस फैसले का फिलिस्तीनियों ने कड़ा विरोध किया और यहूदियों ने इस फैसले की आड़ में इस एरिया में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदनी शुरू कर दी, जिसके चलते हजारों फिलिस्तीनियों को अपना ही देश छोड़ करके जाना पड़ा। इस बीच एक और घटना घटी। साल 1930 में जर्मनी में नाजी शासन की शुरुआत हो गई। नाजियों ने यहूदियों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ऐसे में यहूदी वहां से जान बचाकर भागे और फिलिस्तीन में बसना शुरू हो गए। इन दोनों घटनाओं से फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं एक ऐसे टॉर्चर कैंप की,
जहां मौत भी आने से डरती थी। साल 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी की सत्ता में आया। उसने नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की। उसने यहूदियों को इंसान मानने से ही इनकार कर दिया। साल 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया और उसी के साथ शुरू हुई यहूदियों के साथ अत्याचार की वो दास्तान जिसे सुनकर ही रूह कांप उठती है। नाजियों का मानना था कि यहूदी मानव जाति के लिए कतई ठीक नहीं है, इसलिए यहूदियों का संपूर्ण नाश ही एकमात्र विकल्प है। विश्व युद्ध के बाद तमाम दस्तावेज मिले जो ये साबित करते हैं कि हिटलर का मकसद दुनिया से एक एक यहूदी का खात्मा करना था। इसके लिए यहूदियों के लिए खास कैंप बनाए गए। यहूदियों को इन शिविरों में लाया जाता और यहाँ बंद कर दिया जाता। ये कोई आम कैंप नहीं बल्कि गैस चैम्बर थे जहाँ जहरीली गैस छोड़ी जाती थी। इन गैस के चलते अंदर मौजूद यहूदी घुट घुट कर दम तोड़ देते थे। इन कैंपों में सबसे खतरनाक था पोलैंड का आश्विज कैंप। ये कैंप खौफ का दूसरा नाम था। इन नाजी हुकूमत का सबसे बड़ा नजरबंदी कैंप था। यह नाजी यूरोप के तमाम देशों से यहूदियों को पकड़ कर लाते और कैंप में ठूस देते। कईयों को काम करने के लिए जिंदा भी रखा जाता था। सबसे पहले उनकी पहचान के लिए उनके हाथों पर एक नंबर गोद दिया जाता था। उस दिन से उनकी पहचान उनका नाम नहीं बल्कि हाथ में गुदा हुआ वो नंबर होता था। ये यहूदी जिंदा तो रहते थे लेकिन ये जिंदगियां मौत से भी बदतर हुआ करती थी। इनसे जबरन काम लिया जाता था। सिर के बाल उतार दिए जाते थे, कपड़ों की जगह चीथड़े पहनाए जाते थे और खाना बस इतना ही दिया जाता था कि वो मरे नहीं। उन पर तब तक जुल्म ढाए जाते थे जब तक उनमें सांस का एक भी कतरा बचा होता था। विश्व युद्ध के 6 सालों में नाजियों ने यहूदियों पर बेइंतहा जुल्म ढाए। जुल्म और सितम की ऐसी दास्तां इतिहास में शायद कहीं और देखने को नहीं मिलती है। इन 6 सालों में नाजियों ने लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा था, जिनमें से 15 लाख बच्चे थे। इसी नरसंहार को इतिहास में होलोकास्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब 1936 आते आते अरब विद्रोह भड़क उठा। फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच मारकाट होने लगी। लेकिन 1939 आते आते अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अंग्रेज इस विवाद का कोई हल निकालने में नाकाम रहे। इस वजह से उन्होंने साल 1947 में यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ को सौंप दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना साल 1945 में ही हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने अपने फैसले में फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा अरब राज्य के लिए और दूसरा यहूदियों के लिए इसराइल। इस बंटवारे में खास बात यह थी कि यहूदियों की संख्या कम होने के बावजूद उन्हें 55% हिस्सा दिया गया। यूएनओ के इस फैसले को यहूदियों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और साल 1948 में इजराइल को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। इसी साल अंग्रेजों ने भी अपनी सेनाएं फिलिस्तीन क्षेत्र से हटा ली, लेकिन मामला उससे कहीं ज्यादा और गंभीर था जितना समझा गया था। अरबों ने यूएनओ के फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया और बदले में चुना यहूदियों के खिलाफ संघर्ष का रास्ता। यहीं से शुरू होती है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बतौर देश आमने सामने की लड़ाइयों का दौर। अरब और यहूदियों के बीच तनाव की लकीरें लगातार बड़ी और गहरी होती जा रही थी। साल 1948 आते आते ये तनाव युद्ध में तब्दील हो गया। एक तरफ था अकेला इजराइल और दूसरी तरफ थे मिस्र, इराक, सीरिया और जॉर्डन जैसे अरब देश। जबरदस्त युद्ध हुआ। इसराइल ने अकेले दम पर अरब देशों को धूल चटा दी, लेकिन इस युद्ध में बहुत खून खराबा हुआ। वहीं इसराइल ने वो जमीन भी हथिया ली जो यूएनओ के समझौते के तहत उसको मिली ही नहीं थी। इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि जहां यरूशलम का पश्चिमी हिस्सा इसराइल की राजधानी बना, वहीं पूर्वी हिस्सा जॉर्डन के हिस्से आया। लेकिन इसके साथ ही इसराइल विस्तार करने की अपनी पॉलिसी पर तेजी से आगे बढ़ने लगा। साल 1980 में इसराइल की संसद ने एक कानून पास किया जिससे उसने पूरे यरूशलम को अपनी राजधानी घोषित कर दी। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच साल 1967 में एक बार फिर युद्ध हुआ जो 6 दिनों तक चला। सीरिया, जॉर्डन और मिस्र ने मिलकर इसराइल पर हमला बोल दिया था, लेकिन इस बार इसराइल ने इन अरब देशों को पिछली बार से भी ज्यादा बुरी तरह पटखनी दी। उसने इन्हें न सिर्फ बुरी तरह से हराया बल्कि इन देशों के तमाम क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया। इसराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलम और मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप के क्षेत्र छीन लिए। हालांकि 1979 में इसराइल और मिस्र में एक समझौता हुआ जिसके तहत इसराइल ने मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप लौटा दिया। बदले में मिस्र ने इसराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी। उस समय इसराइल को मान्यता देने वाला मिस्र पहला अरब देश था। यहाँ पर गाजा पट्टी को समझना बहुत जरूरी है। यही वो जगह है जहाँ से आतंकवादी संगठन हमास इसराइल पर हमले कर रहा है। गाजा पट्टी इसराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच बसा एक छोटा सा एरिया है और इसे दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में गिना जाता है।
गाजा पट्टी एरिया लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जरा सी जगह में 20 लाख से भी ज्यादा की आबादी रहती है। एक आंकड़े के अनुसार यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 5,500 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ की घनी आबादी का अंदाजा आप इसी से लगाइए। इजराइल में यह आंकड़ा मात्र 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिलिस्तीनियों ने अपने पुनर्वास और सुरक्षा के लिए फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ नाम से एक संगठन भी बना लिया था। साल 1974 में भारत ने पीएलओ को मान्यता भी दी थी। ऐसा करने वाला भारत पहला गैर अरब देश था। यही नहीं, भारत ने 1988 में फिलिस्तीन को भी एक देश के रूप में मान्यता दे दी थी। अब बात करते हैं हमास की, एक ऐसा आतंकी संगठन जो इजराइल जैसे देश को नाको चने चबाने पर मजबूर कर रहा है। हमास का पूरा नाम है हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया यानी इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन। हमास एक आंदोलन और फिलिस्तीनी इलाके के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। यह फिलिस्तीन में रहने वाले सुन्नी इस्लामिक लड़ाकुओं का एक ग्रुप है। अब हमास यहूदियों से उतनी ही नफरत करता है जितना कि हिटलर किया करता था। इसका गठन साल 1987 में शेख अहमद यासीन ने की थी। कहा जाता है कि वो 12 साल की उम्र से ही व्हील चेयर पर था। गाजा पट्टी पर हमास की ही सत्ता है। हमास के पास अपनी खुद की सेना भी है जो तमाम आधुनिक और खतरनाक हथियारों से लैस है। रिपोर्ट्स की माने तो हमास को ईरान और तुर्की जैसे तमाम देशों से फंडिंग मिलती है। कनाडा, यूरोपीय संघ, इजराइल, जापान और यूएसए हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं। वहीं ब्राजील, चीन, मिस्र, ईरान, नॉर्वे, सीरिया जैसे कई देश हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानते। अमेरिका ने हमास के गठन के 10 साल बाद यानी साल 1997 में ही इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष के दौरान दो इंतिफादा भी हुए। इंतिफादा यानी विद्रोह। पहला इंतिफादा 1987 से 1993 जबकि दूसरा इंतिफादा 2000 से 2005 तक हुआ था। ओस्लो समझौते में तय हुआ कि क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक हिस्सा फिलिस्तीन को और दूसरा हिस्सा इजराइल को मिलेगा। यह भी तय हुआ कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में दोनों के बीच संघर्ष विराम लागू होगा। इस समझौते के तहत फिलिस्तीन ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। अब बात करते हैं दोनों देशों के बीच विवाद पर भारत के पक्ष की। ये सच है कि दोनों के बीच संघर्ष में भारत ने हमेशा ही फिलिस्तीन का साथ दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जब भी ऐसा कोई विवाद उठा है भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में ही वोट किया है। हालांकि समझने की बात ये भी है कि साल 1992 तक भारत के इजराइल से किसी भी तरह के कूटनीतिक संबंध नहीं थे। 1992 में पहली बार दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की नींव रखी गई। फिलहाल भारत और इजराइल के बीच संबंध बहुत ही अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। तमाम क्षेत्रों में दोनों देश आपसी सहयोग कर रहे हैं। भारत इजराइल से भारी मात्रा में सैन्य हथियार भी खरीद रहा है, साथ ही कृषि तकनीकी भी ले रहा है। शायद यही वजह है कि जैसे इजराइल पर हमला हुआ भारत इजराइल की तरफ खड़ा हुआ दिखाई दिया। एक खास बात पर यहाँ चर्चा करना बहुत जरूरी है। इजराइल सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है। उसने एक ऐसा रक्षा कवच भी तैयार किया है जिससे उस पर हमला करना लगभग नामुमकिन है। इस रक्षा कवच को आयरन डोम सिस्टम कहा जाता है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि आयरन डोम सिस्टम नाकाम साबित हो गया। हमास ने सारी सुरक्षा दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। हमास ने ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए और इजराइल को दहला दिया। मोसाद का भी जिक्र यहाँ पर बहुत जरूरी है। मोसाद एक ऐसा नाम है जिसके नाम से ही दुनिया के बड़े बड़े आतंकी कांपते हैं। ये छोटे से देश की एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जो दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इस बात से हैरानी होती है कि इस बार हमास ने इजराइल में इतना बड़ा हमला कर दिया और मोसाद को भनक तक नहीं लगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि आयरन डोम सिस्टम की तरह ही मोसाद भी इस बार नाकाम साबित हुआ है। फिलहाल दोनों देश दुनिया से एक दूसरे का नक्शा मिटा देने पर उतारू है। दुनिया के सभी देश अपनी अपनी सुविधा और फायदे के चलते किसी न किसी पाले में खड़े हैं। लेकिन क्या 21वीं सदी में भी ऐसे विवादों का हल युद्ध से ही निकलेगा? वो भी तब जब दुनिया भर में शांति और सहयोग कायम रखने के लिए तमाम संगठन मौजूद है। आखिर इनका मकसद क्या है? केवल मीटिंग्स करना और सबमिट करना, क्योंकि जमीन पर तो इनका कुछ काम नजर आता नहीं। रशिया यूक्रेन युद्ध को 1.5 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। न जाने कितने लोग बेघर हो गए होंगे, न जाने कितने लोगों ने जाने गंवाई है, कितनों ने अपनों को खोया है। लेकिन मजाल है कि शांति और सहयोग का ढोल पीटने वाले इन किताबी संगठनों ने बयानों से तर कोई काम किया हो। हमास और इजराइल युद्ध में भी मानवता ही मारी जाएगी। किसी के हाथ जमीन आएगी तो किसी से छीन ली जाएगी। लेकिन बेचारी इंसानियत एक बार फिर से शर्मसार हो जाएगी। कोई कुछ नहीं बोलेगा,
सब चुप्पी साधे ताकेंगे, किसी की हार में किसी की जीत जो छुपी होगी। अगर यही सभ्य समाज की निशानी है तो बर्बर समाज क्या बुरा था। हम अभी ये मानते हैं कि हिंसा से कोई भी समाधान नहीं निकलना है, वो भी आज के दौर में। दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनानी है, एक सभ्य समाज का निर्माण करना है तो ऐसे युद्धों के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं होनी चाहिए। जरूरत है पूरी दुनिया एकजुट हो और युद्ध को रोकने की कोशिशों में तत्काल जुट जाए, तभी इस दुनिया को बेहतर जगह बनाई जा सकती है। उम्मीद करते हैं वीडियो ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।